बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज 10 ज़िलहिज 1442 हिजरी बकरीद का पहला दिन। कहते हैं बड़ी ईद बड़े मसाइल, लेकिन इसी चीज़ को आप दूसरे अंदाज में भी तसव्वुर कर सकते हैं कि बड़ी ईद बड़ी कुर्बानी। हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वो कुर्बानी जिसकी वजह से आज हम इस दिन को याद करते हैं जानवरों की कुर्बानी देकर। लेकिन ये बात हम सबको फरामोश नहीं करना चाहिए कि हमें ये गौर करना चाहिए कि हम परवरदिगार की राह में कौन सी बड़ी कुर्बानी देने के लिए ज़ाती तौर पर तैयार हैं। आज मेरा किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है लेक्चर से रिलेटेड गुफ्तगू करने का। आज सिर्फ और सिर्फ आपको मुबारकबाद देनी है अपने चैनल के थ्रू, क्योंकि वैसे तो व्हाट्सएप फेसबुक जिंदाबाद, व्हाट्सएप का स्टेटस FB का स्टेटस जिंदाबाद, मुबारकबाद दी जा चुकी है मेरी तरफ से। लेकिन चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल भी मौजूद है और एक साल से ऊपर इस चैनल को रन करते हुए हो चुका है, लिहाजा हज़्ज़े मामूल बकरीद के मौके पर आप सबको मुबारकबाद देनी है और एक छोटा सा मैसेज देना है कि बहुत ज़्यादा ऐसी गज़ा खाने से गुरेज करिएगा कि जिसकी वजह से 3 दिन की छुट्टी के बाद आपको मज़ीद 3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ जाए, यानी कि समझ ही रहे होंगे बीमार पड़ जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो कुर्बानी हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माईल से रिलेटेड है उस कुर्बानी को हमें कभी फरामोश नहीं करना चाहिए और ये बात अपने दिमाग में वाज़ेह तौर पर रखनी चाहिए कि हमें इस कुर्बानी से क्या सबक मिलता है और हम कौन सी चीज़ अपने हवाले से परवरदिगार की ज़ात के हवाले से बयान कर सकते हैं कि हम परवरदिगार की राह में उस चीज़ को कुर्बान कर सकते हैं। क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी सबसे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ यानी कि अपने औलाद को कुर्बान करने से दरियाफ़्त नहीं किया, तो हमें ख़ुद अपने आप से हवाले से सोचना चाहिए कि हम परवरदिगार की राह में किस चीज़ को कुर्बान कर रहे हैं। कुछ कुर्बान अगर नहीं कर सकते तो कम अज़ कम एक चीज़ को कुर्बान कर दें कि अपनी उन ख्वाहिशात को कुर्बान करें। और कौन सी ख्वाहिशात? जायज़ ख्वाहिशात की बात नहीं की जा रही, उन ख्वाहिशात को, उन नफ्सानी ख्वाहिशात को जिन पर अमल करने के लिए परवरदिगार ने मना किया है। आसान अल्फाज में गुनाहों से हमें अपने आप को दूर कर लेना चाहिए और यही आज की इस वीडियो का छोटा सा पैगाम भी है। एक मरतबा फिर आप तमाम व्यूअर्स को, आप तमाम सब्सक्राइबर्स को, आप तमाम अफराद को जो मेरे इस चैनल से वाबस्ता हैं, वीडियोस को वॉच करते रहते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, उन तमाम अफराद को मेरी तरफ से ईद के पहले दिन के हवाले से बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल करें और आज के इस छोटे से पैगाम पर अमल करने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस छोटे से पैगाम पर अमल करते हुए फ़ायदा उठा सकें। बज़ाहिर पैगाम छोटा सा है लेकिन उसके अंदर दर्स एक बहुत बड़ा है। अगर अब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ना कर सके हों तो सरल यमत के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर हज़्ज़े मामूल लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट्स फ़ौरन और बरवक्त मिल सकें। कल से इंशाअल्लाह ताला लेक्चर्स का आगाज़ दोबारा किया जाएगा। जब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।